जो कि मेरे मतलब मेरे फेवरेट हॉलीवुड करेक्टर हैं वो, क्योंकि यहाँ पे मुझे सबसे अच्छे पसंद है वो एंड गेम में। मतलब वैसे मेरा जो फेवरेट हीरो है तो वरुण धवन है, पर ये भी मुझे काफ़ी अच्छे लगते हैं, रॉबर्ट डॉनी जूनियर मतलब आयरन मैन। तो मैं इसमें यूज़ करूँगा अपना फेवरेट 210 GSM स्मूथ आइवरी पेपर, चारकोल्स, कलर्ड पेंसिल्स, ग्रेफाइट। आज हम बहुत सारी मतलब मीडियम्स में ट्राई करने वाले एक साथ, बस वाटर कलर नहीं है इसमें, अगर वाटर कलर भी होता तो कुछ और ही बन जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। एंड यहाँ पे जो है आपने मेरे 4700 सब्सक्राइबर्स करवा दिए, एंड मुझे यकीन है आप 5000 सब्सक्राइबर्स भी जल्द ही करवा देंगे। तो जिसने मुझे अभी तक इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो वहाँ पे मेरे 1200 फॉलोअर्स हो चुके हैं, तो 1500 जल्दी से करवा दीजिए मेरे फॉलोअर्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। Thank you.
सो गाइस मैंने ड्राइंग तो कंप्लीट कर ली है एंड अभी कुछ ऐसी लग रही, देख सकते हैं आप। मैंने इस पर एक और एडिशन की है जो कि है ये, मैंने यहाँ पे ये लोगो बनाया एंड आई लव यू 3000 लिखा है क्योंकि जो है एंड गेम में उसकी बेटी ने कहा था आई लव यू 3000 टाइम्स, तो वही वाला बहुत ज़्यादा फेमस डायलॉग हो गया था, तो यहाँ पे भी मैंने वही लिख दिया है। एंड यहाँ पे थोड़े से ज़्यादा अच्छा इफेक्ट नहीं आ पाया, जैसा मैं लाना चाहता था उतना अच्छा इफेक्ट नहीं आया, पर थोड़े बीच में ख़राब हो गया था, पर जैसा मुझे अच्छा लगा वैसे मैंने ठीक कर दिया ये। तो यहाँ पे देख सकते आप आयरन मैन तो काफ़ी अच्छा बना है, मतलब ये टोनी स्टार्क तो बहुत ही अच्छा बना है एंड आयरन मैन भी ठीक ठाक ही बन गया, वाटर कलर से बनाते तो बहुत अच्छा बनता। एंड यहाँ पे जो है इसमें मैंने यूज़ की है कलर्ड पेंसिल्स एंड यहाँ पे स्मूथ पेपर था, तो कलर्ड पेंसिल्स के लिए चाहिए होता है हमें रफ़ पेपर, जो कि स्पाइडरमैन में मैंने हल्का सा रफ़ पेपर यूज़ किया था, रफ़ आइवरी पेपर, तो मतलब मीडियम सरफेस का, तो उसमें काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स आए थे। पर इसमें देख सकते हैं आप कैसे रिजल्ट आए हैं, बहुत ज़्यादा प्रेशर और बहुत ही ज़्यादा एफर्ट्स लगा के भी इतनी ऐसी ड्राइंग बनी है। एंड अगर मैं यही ड्राइंग दूसरे पेपर में बनाता, मतलब उस वाले पेपर में बनाता, रफ वाले पेपर में, तो काफ़ी अच्छी बनती। तो इस कैसे लगा वो वीडियो कमेंट में जरूर बताना, अच्छी लगे तो लाइक कर देना, चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, मिलेंगे ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो में एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।